हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। सो बहुत दिन हुआ था मैंने वीडियो अच्छे से नहीं बनाया और आया भी नहीं यूट्यूब पे। सो थोड़ा बिजी था मैं। सो आज अपनी बाइक का जो जो मॉडिफिकेशन किया है वो दिखाऊंगा मैं आज, कौन सा और क्या है और कैसा किया सब कुछ बताऊंगा मैं, और लुक्स भी दिखाऊंगा। Had no need to fight tonight. पहले दिखाता हूँ मैं क्या क्या मैंने बनाया। Yeah yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. पहले आगे से बताऊंगा। So, देख लो guys, मैंने कैसा आइस बनाया। So, yeah. रेप मैंने खुद ही किया घर पे एक लाइटर की हेल्प से। देख सकते हो गाइस, यहाँ भी मैंने ग्रीन कलर का ये ग्राफिक्स लगाया है ट्रांसपेरेंट। सो मैं यहाँ स्क्रैच आता है इसलिए मैंने इसको लगाया सेफ्टी के लिए। ये मैंने ऐसा ही लगा दिया था। सो मैं नेक्स्ट में इससे नया लगाऊंगा और अच्छे से लगाऊंगा, तो बाद में इसका वीडियो आ जाएगा। जब मैं बढ़ाऊँगा तब मैं वीडियो भी। सो गाइस, और ये मैंने जो हैंडल बार सेंस किया था, हैंडल बार सेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। सो ये FZ160 का हैंडल बार है। सो मैंने इसको बटरफ्लाई बनाया था। आप लोग देख सकते हो इस हैंडल बार को लगाने के बाद कैसा देख रहा है भाई। ये हैंडल बार बटरफ्लाई स्टाइल में है इसलिए इस हैंडल बार को बटरफ्लाई कहा जाता है। इस हैंडल बार को परचेस करना चाहते हो तो यामा की सर्विस सेंटर में जाना और याम FZ160 का हैंडल बार लेने से मिल जाएगा आप लोगों को। सो इस हैंडल बार को थोड़ा सा उठा के लगाना पड़ता है, थोड़ा घुमा के आगे की तरफ घुमा के लगाना पड़ता है तभी ये ऊँचा हो जाता है और ऐसा लुक्स आता है और चलाने में भी मज़ा आता है। जो लोग स्टनर, प्रोफेशनल स्टनर वगैरह रहता है वो सब ज़्यादातर FZ160 का ही हैंडल बार यूज़ करता है। सो यही है हैंडल बार। मैं यहाँ देख सकते हो मैंने स्विच इंस्टॉल किया ये हाजर लाइट के लिए। सो मैंने हाजर कोई भी बाय नहीं किया, सिर्फ एक स्विच की हेल्प से ही मैं हाजर लाइट बनाया। आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो मेरे चैनल में जाके देख लेना। बोलना भूल गया था मैं, जब आप ये हैंडल बार चेंज करेगा तो कोई प्रोफेशनल से ही बनाने को देना। जो प्रोफेशनल जो हैंडल वगैरह बनाता रहता है उसके पास ही जाना, नहीं तो आप लोग को बाद में बचाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ ड्रिल वगैरह नया से करना पड़ता है। सो इसका जो हुक रहता है अटकने का, उसका जो होल रहता है वो बनाना पड़ता है क्योंकि ये FZ का है, MT का नहीं है, इसलिए अलग अलग टाइप का होता है जो होल रहता है वो। इसलिए जो मॉडिफिकेशन करता है उसके पास जाना जिसके पास ड्रिल मशीन हो। आप लोगों को हाजर लाइट ऑन करके दिखाऊं मैं कैसा ऑन करना पड़ता है। मेरा बाइक ऑन हो चुका है, इग्निशन लाइट फर्स्ट गियर में है ऐसा ही। ये सब इग्नोर करना, सिर्फ गाड़ी ऑन रहना चाहिए। मैंने की ऑन किया और देख सकते हो इंडिकेटर 1-2 इंडिकेटर ऑन किया मैं। जो इंडिकेटर नॉर्मल इंडिकेटर रहता है वो ऑन किया तो आगे देख सकते हो सिर्फ एक साइड ही जल रहा है। देख सकते हो इधर भी ब्लिंग हो रहा है। और जब ये स्विच को मैं ऑन करूँगा तो देखना ये ऑन लिखा हुआ है, देख आगे का दोनों ब्लिंग हो रहा है। शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो पीछे का दिखाता हूँ मैं। सो देख सकते हो दोनों इंडिकेटर ब्लिंग हो रहा है। यहाँ LED इंडिकेटर्स भी लगाया हुआ है ब्लू कलर का जो आप लोग अभी देख चुका है। और ये मेरा जो टेल टाइडी है उससे वेल्डिंग शॉप में जाके बनाने को दिया था। सो इसमें मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा।
तो इतनी सस्ते में इतना अच्छा और इतना मजबूत बन सकते हैं, तो खुद महंगा खरीदने का ज़रूरत नहीं है, सस्ते में हो जाता है। और देख सकते हो यहाँ मैंने जो की होल है उसको ढका हुआ है, सो इसका यहाँ दो क्लिप रहता है, इधर एक और उधर भी एक, सिर्फ इसको घुसाना पड़ता है तो ये अटक जाता है। लेकिन डर रहता है कि जब राइड कर रहा है तो पीछे से कुछ गिर ना जाए या ये गिर ना जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए आप लोग फेवरक्विड यूज़ कर सकते हो। मैंने भी फेवरक्विड ही लगाया क्योंकि मुझे भी डर रहता है गिर ना जाए, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए फेवरक्विड इस्तेमाल किया, सो ठीक भी है। सो ये बाद में आप लोग ओरिजिनल टेल टाइडी लगाने पर भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, आराम से फिटिंग हो जाएगा। सो मैं इस बाइक में ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ सिंपली सो देखने में इंक्रीज होता है लुक्स, तो वही मैंने मॉडिफिकेशन किया टोरा टोरा सा ही, सिर्फ जो बैक का टेल रहता है वो टेल और टायर अगर मैंने रिमूव किया तो लुक्स ऐसा देखने को लग रहा है, और ये बटरफ्लाई हैंडल बनाने के बाद लुक से अलग आ रहा है, चलाने का फीलिंग्स भी बहुत अलग आ रहा है। सो यही था आज के लिए, बाद में जो जो जिस में नया मोटिवेशन वगैरह करता रहूँगा जो वो सब वीडियो में आता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही है।